हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे एक क्लिक में अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड में एक ग्रीन स्क्रीन पर्दा रखना होगा। ग्रीन स्क्रीन पर्दा रखने के बाद आपको उसके आगे आके अपना वीडियो शूट कर लेना होगा। आप जो भी वीडियो शूट करना चाहते हैं आपको अच्छे से शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद आपको अपने मोबाइल की काइन मास्टर को ओपन कर लेना होगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन रेटियो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा 16:9 वाले पे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा। आप बैकग्राउंड फ़ोटो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर में एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इक्वल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको ऊपर में एक राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो पर क्लिक करना होगा और क्लिक करके इसे बड़ा कर देना होगा। आपका वीडियो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इसे कर देना होगा। तो चलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना होगा। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेना होगा, तो चलिए मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा, तो चलिए मैं इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा, तो चलिए मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक अनेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसे अनेबल कर देना होगा। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इस तरह से गाइस आप एक क्लिक में अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।